देश की सर्वोच्च अदालत से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बाशा केस के फैसले को पलटते हुए अब इस मामले को 3 जजों की नई बेंच के पास भेज दिया है। इस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। फिलहाल अब इस पर नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को तय करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी थ्री जजेस की बेंच बनेगी उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से खत्म हो जाएंगी। वहीं सपा नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो कलंक जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 1964 में लगा था वो धो दिया, जिसमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये अल्पसंख्यक इदारा है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में पार्लियामेंट से इस रेजोल्यूशन पास हुआ था। तमाम जहान के मुसलमानों ने, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस वक्त 30 लाख रुपए इकट्ठा करके जमा करे थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था और लोगों ने अपनी जायदादें दी थी, नवाबों ने जायदादें दी थी। यकीनी तौर पे मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी भी है, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ और हर ओल्ड बॉय को दो रकात नफिल पढ़ने चाहिए शुक्राने के। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने आज बहुत बड़ा एक नाइंसाफी को ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान से। बता दें कि एएमयू का ये मामला 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से उठा जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिलता है तो उसे बाकी विश्वविद्यालयों की तरह शिक्षकों और छात्रों के लिए आरक्षण नीतियों को लागू करना पड़ेगा। वहीं अगर एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है तो ये विश्वविद्यालय मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण दे सकेगा। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन दो और पक्ष इसमें शामिल थे जिनकी याचिका लंबित थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस साल फरवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।